मैं अपनी शक्ति से ही उड़ना चाहता था डोरेमोन। मैं समझ सकता हूँ नोबिता। अरे नोबिता, शिजुका, पीकू यहीं कहीं ऊपर की ओर उड़ी है, क्या तुम्हें कहीं दिखी? मैंने देखा था डोरेमोन। रुक जाओ, रुको। ये तुम क्या कर रहे हो सुनियो? जियान वो देखो ऊपर वहाँ। सुनियो चलो चले। इसी तरफ होना चाहिए। वो अचानक ही, शायद उसने पीको को बचाया होगा। अरे देखो वो उधर है। क्या तुम ठीक हो? क्या ये परिंदा है या फिर इंसान? ये पंख तो असली परिंदे का ही है। तो ये बर्डमैन है? यकीन नहीं होता, ये अचानक इस एयरप्लेन के साथ हमारे सामने आ गया था। आखिर ये सब है क्या? लगता है इसे चोट आई है, हमें इसकी मदद करनी चाहिए। अगर किसी को भी पता चल गया तो बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। क्लीनिंग रैकेट, मैंने इसका प्लेन अब छुपा दिया है। नोबिता इसे अपनी पीठ पर उठा लो। हाँ, ये मुझे करना है। हम इसे अपने घर ले जाएंगे। वो लोग आए तो इसी तरफ थे, है ना जियान? लेकिन वो मिल क्यों नहीं रहा? बहुत ही अजीब बात है, उन्हें यहीं कहीं आसपास होना चाहिए। सुनियो, इस बारे में किसी से भी मत कहना। हाँ हाँ बिल्कुल जियान। शायद इसे होश आ रहा है। तुम इंसान? ये लोग भी ना इतना शोर क्यों मचा रहे हैं? अरे ये पंख, ये लोग घर के अंदर जरूर फिर से कोई पेट लेकर आ गए हैं। डरने की जरूरत नहीं है, हम तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे। मेरा सुनो गुरसू, तुमने उसे कहाँ छुपा रखा है? बोलो ने कहाँ छुपा रखा है? क्या कहा स्नोगुसु? इसका मतलब कहीं उस प्लैनेट से तो नहीं? चिंता मत करो, हमने उसे वहीं छुपा दिया है जहाँ पर तुम गिरे थे। वो तुम्हें वापस मिल जाएगा। तुम्हारा शुक्रिया, लेकिन मुझे जल्दी से स्नोगुसु वाली जगह पर ले चलो, जल्दी से। नोबिता, अगर मॉम यहाँ आ गई तो गड़बड़ हो जाएगी। चलो। नो बेटा, अरे डोरेमोन यहाँ क्या हो रहा है? शायद मुझे बुखार हो गया है मॉम। हाँ, लेकिन अभी तक पक्का नहीं है। अच्छा तो ठीक है, तुम्हें बुखार है ना? मैं तुम्हें ऐसी दवाई पिलाऊंगी, तुम्हारा बुखार तुरंत ठीक हो जाएगा। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हटो यहाँ से। ऐसे ही, अंदर कुछ भी नहीं है मॉम। सच? अंदर कुछ भी नहीं है? मैंने तो नहीं पूछा, दिखाओ क्या है अंदर। वो जरूर अपना प्लेन ढूंढने गया होगा, इससे पहले कि किसी को पता चल जाए। चलो चलते हैं। सुनो नोबिता, मुझे बाहर एक पंख मिला है, और अगर तुम पेट पालना चाह रहे हो तो सोचना भी मत इसके बारे में। कितना स्पेशल टॉपिक था जियान। अब अंधेरा हो चुका है, हम लोग कल फिर से आ जाएंगे, और मुझे गिरने की आवाज आई थी यहीं से। सुनियो, नोबिता को भी मत बताना। हाँ वो मैं जानता हूँ। कहाँ छुपा दिया उन्होंने? शायद इस तरफ होना चाहिए। आवाज तो इस तरफ से आएगी। हाँ जरा
जरा देखो तो। ये तो बहुत ही बढ़िया है, वो तो खुद ही सुनियो की तरफ चले आए हैं। वो तुम्हारी बात ऐसे सुन रही है जैसे इन्हें तुम्हारी बात बता जा रही हो। हाँ, मैं उन्हें रोज ट्रेनिंग देता हूँ दोस्तों। जब मछलियाँ आपकी बात सुनने लगे तो कितना अच्छा लगता है। मछली पालने के बारे में क्या ख्याल है? हाँ, अच्छा रहेगा। माफ करना, मुझे तुमसे ये नहीं कहना चाहिए था। हाँ? देखो, वैसे हमारा इतना बड़ा जो तालाब है, किसी और के पास इतना बड़ा तालाब नहीं है, तो मछलियाँ पालना मुमकिन नहीं। अगर तुम अपने घर में तालाब बनाने की सोच रहे हो तो ऐसा सोचना भी मत, क्योंकि ये नामुमकिन है। हाँ, मछली चाहिए? हाँ, क्या आप मुझे मछली दिलवाएंगी मॉम? मैं तो ले भी आई हूँ। सच? ले लो, आज रात के खाने में मछली ही है। क्या हुआ? क्या सुनियो ने फिर से बुरा बर्ताव किया? तो ठीक है, हम भी तुम्हारे लिए पालतू मछलियों का इंतजाम करेंगे। नोबिता, मछली ले आने पर भी मैं उसे रखूंगा कहाँ? उसकी फिक्र मत करो, सब मुझ पर छोड़ दो। हम कहाँ जा रहे हैं डोरेमोन? गोल्डफिश मछलियों की दुकान तो पीछे रह गई है। गोल्डफिश तो आम होती है, हम तुम्हारे लिए कोई खास मछली लेकर आएंगे नोबिता। मेरे पास महंगी मछली पालने के लिए पैसे नहीं है। हमें उसके लिए पैसों की जरूरत नहीं पड़ेगी। हुँ? डोरेमोन, क्या हम यहाँ से मछली पकड़ेंगे? सही कहा, और मछली के चारे से ये काम आसानी से हो जाएगा। पेट फूड गोल्डफिश। नोबिता, तुम भी थोड़ा सा ले लो। ठीक है, अब इसे दबाओ। ठीक है, और जोर से। बस ठीक है, अब डाल दो। इन्हें डाल दूं? ये क्या है? डोरेमोन, डरो मत नोबिता, वो तुम्हें कुछ नहीं करेंगी, देखो तो। तो इस चारे की मदद से मछलियाँ पानी के बाहर हवा में भी जिंदा रह सकती है नोबिता। हाँ, पर ये तो मेरे पास आ रही है, तुम्हारे पास नहीं। जब तुमने चारे को अपने हाथ में दबाया तो वो तुम्हारी खुशबू की वजह से यहाँ चली आई, इसलिए वो तुम्हारे पास ही है। ये कितने प्यारे हैं। ये लो नोबिता, इस फिश विसल की मदद से तुम इन्हें खेल भी सिखा सकते हो। क्या सच में? कहा था ना, बिना पैसों के तुम मुफ्त में मछलियाँ ले जा सकते हो नोबिता। तुम्हारा शुक्रिया डोरेमोन। सुनियो, अब आएगा। क्या कहा, पालतू मछलियाँ? हाँ, मैं तुम्हें अपनी पालतू मछलियाँ जरूर दिखाऊंगा। नोबिता, क्या तुमने भी मछलियाँ पाली है? हाँ। तुम्हारे पास जरूर गोल्ड फिश होगी। नहीं, मेरे पास बहुत ही खास मछलियाँ हैं, अगर तुम उन्हें नहीं देखोगे तो तुम जरूर पछताओगे। अगर ऐसी बात है तो हम भी तुम्हारे साथ देखने चलेंगे, क्यों? हम बन गए जूनियर स्कूल के स्टूडेंट। यहाँ भी नहीं है, सब जगह देख चुकी हूँ। हाँ, क्या आपको नोबिता ने नहीं बताया कि कल हमें सारे टेस्ट पेपर्स मिल गए थे? मुझे पूरा यकीन है कि उसने पेपर यही कहीं छुपाया है। अब क्या करो? अरे, ये तो रिसीट है। किस चीज की रिसीट है ये? ये तो बहुत महंगा है, इतने सारे पैसे पर किस लिए? कैसे पता लगाऊं? मैं पता लगा कर ही रहूंगी। मुझे इसे किसी और जगह छुपाना होगा। ये तुम क्या कर रहे हो? जरा इसे पकड़ो, मैं अभी आया। अरे नोबिता रुको। डोरेमोन, तुमने नोबिता को देखा है? वो अभी बॉक्स लेकर निकल गया। बॉक्स? तो काफी जल्दी में लग रहा था। ओहो, मैं कुछ देख नहीं पा रही हूँ। अरे मॉम, अगर आप इसे दोबारा पहनेंगी तो पहली जैसी हो जाएंगी मॉम। चुप जाओ। क्या? आज पूरे दिन मैं ऐसे ही रहूंगी, ये तो काफी अच्छा है। बाहर जाने के लिए तैयार? ओके डोरेमोन, मैं जा रही हूँ। क्या? पर आप कहाँ जा रही हैं मॉम? क्या
क्या करूँ, पैसे कहाँ छुपाओ, कहाँ छुपाओ, कहाँ छुपाओ। ए नोबिता, बिल्कुल सही समय पर आए हो, हम तुम्हें प्रेजेंट देना चाहते हैं। हा? मुझे वो क्यों? मैं इस बॉक्स को पकड़ता हूँ, तुम बस इसे खोलो। वो यहाँ है, शायद वो पेपर इस बॉक्स के अंदर है। ठीक है, सुनो ये बॉक्स मुझे दे दो। कौन है? मैं तो डर ही गई थी। वो तो ठीक है, लेकिन तुम कौन हो? मैं वो तुम्हारी मैं नोबिता की बहन हूँ। मैं हम दोनों बहुत ही लंबे समय के बाद मिल रहे हैं, है ना? सच में? क्या नाम है तुम्हारा? टमाको। अरे ये मेरी आंटी का नाम है,